नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के लिए सवाल नंबर दूसरा। देखिए सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है कि सवाल दूसरे में देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, देखिए अपरिमित जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो समझते हैं पहले कि अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अगर हमारी रेखाएं जो हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ये रेखा एक हो और एक हो ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर जीरो, ये हो ये भी दो रेखाएं हो तो समीकरण हो ये भी दो इस प्रकार के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो कंडीशन होती है हमारी कि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, ये कंडीशन हो तब होते हैं हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब ए का मान पूछ रहा है हमसे और बी का मान पूछ रहा है। यहाँ पर समीकरण हमें दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। एक हमें दिया गया है कि 2x प्लस का 3y बराबर 7 और एक दिया गया है कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी ये माइनस का 2, ये दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, एक हमें ये समीकरण दिया गया है और एक हमें ये समीकरण दिया गया है। सवाल में पूछा गया है a और b का वैल्यू। ठीक है, और कह रहा है कंडीशन दी गई इसके अगर अपन उसे अनेक हल हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण को सही तरीके से, समीकरण एक तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे इसको, 2x प्लस का 3y, अगर हम 7 को लेकर आएंगे हो जाएगा माइनस का 7, ये तो जाएगा बराबर 0। ठीक है, समीकरण एक लिख गया हमारा। लिख लें कि तुलना, समीकरण एक की तुलना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और प्लस सी वन बराबर 0 से करने पर तुलना कर लेते हैं। तो दोस्तों तो देखिए ए वन ए टू बी वन बी ए वन का मान कितना आएगा, यहाँ पर ए वन का मान 2 आ जाएगा, ए वन बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, बी वन का मान कितना आएगा दोस्तों हमारा, बी वन बराबर 3 आ जाएगा और सी वन बराबर दोस्तों कितना आएगा हमारा माइनस का 7। तो इस प्रकार से हमने ए वन बी वन सी वन सभी के मान निकाल लिए। अब देखिए समीकरण दूसरा हमारा क्या था उसको लिख लेते हैं। समीकरण दो, समीकरण दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है कि ए माइनस बी इंटू एक्स और प्लस में ए माइनस ए प्लस बी ये लिखा हुआ इंटू बाई, अगर इन सभी को इधर लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 3a और माइनस का b और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि तुलना, इसको तुलना करेंगे हम किससे तुलना करेंगे समझिएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई और प्लस सी टू बराबर 0 से करने पर। दोस्तों जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा समझिएगा वो, आप लोग तुलना कीजिएगा। देखिए यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी, मतलब a2 बराबर लिखा हुआ है a माइनस का b, ये दोस्तों a2 की वैल्यू लिखी हुई है a माइनस बी, और देखिए b2 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है हमारी a प्लस का b ये लिखा हुआ है तो a, और c2 की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी लिखी हुई है बराबर माइनस का 3a प्लस माइनस का b प्लस का 2, ये हमारे सी टू की वैल्यू लिखी हुई है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ए वन ए बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू वैल्यू निकाल लिया। अब कह रहा था इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये कंडीशन दो गई हमारी ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। देखेंगे हम यहाँ पर कि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, इस कंडीशन से जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिएगा ए वन का वैल्यू कितना दिया गया हमें, ए वन का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 बटा ए टू का वैल्यू ए माइनस बी, 2 बटा ए माइनस बी बराबर। ठीक है, बी वन का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो 3 बटा बी टू का वैल्यू ए प्लस बी बराबर, सी वन का वैल्यू कितना है माइनस का 7 बटे माइनस का 3 ए माइनस का बी प्लस का 2। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इस समीकरण को हमें हल करना है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वो अभी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से हमने ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू सी वन अपान सी टू निकाल लिया है। यह आ गया 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी बराबर माइनस का 7 बटे माइनस 3 ए माइनस बी प्लस 2। अब हमें इसको हल करना, ए और बी का मान ज्ञात करना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अगर पहले वाले को और दूसरे को बराबर करें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा कि हम लिखें कि 2 बटा ए माइनस बी बराबर 3 बटा ए प्लस बी,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले गुणा कर लीजिएगा इसका तीसरा, तो क्या हो जाएगा, दो का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब दो ए प्लस का ये दो बी बराबर तीन का इसमें कर लीजिएगा, तो तीन ए माइनस का तीन बी, यही तो आ जाएगा इसका मतलब। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा दो ए, और इधर लेकर आइएगा तो माइनस का ये तीन ए हो जाएगा इधर आएगा जब, और प्लस का दो बी और ये माइनस का तीन भी आएगा तो हो जाएगा प्लस का तीन बी बराबर जीरो हो गया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए दो ए इससे ये तीन ए जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का ए बचेगा, तो माइनस का ए और प्लस का पाँच बी बराबर आ गया जीरो, इतना कंडीशन आ गई है। ठीक है, आगे उसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो माइनस का ए बराबर आ जाएगा माइनस का पाँच बी, माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर दोस्तों आ गया है पाँच बी, ए का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया हमारा पाँच बी आ गया है। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा आ गया पाँच बी। अगर ए का मान, ए का मान आ गया हमारा पाँच बी, ने इसको हल किया है। ठीक है, अगर हम देखिएगा अगर हम इसको बराबर कर लें कि दो बटे ए माइनस बी, ये बराबर इसके भी है, बराबर किसके, माइनस का सात बटे माइनस का तीन ए माइनस बी प्लस का दो, इसके भी बराबर तो ये है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो गुणा कर लीजिएगा तो दो तीन छः तो ये हो जाएगा, तीसरा गुणा कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का छः और माइनस का ये हो जाएगा दो बी और प्लस का चार, इतना ही हो गया बराबर। देखिए माइनस का सात भी तो हो जाएगा माइनस का सात ए और माइनस माइनस प्लस का सात भी, इतना ये गुणा कर लिया हमने इसका। ठीक है, जब इसका तीसरा गुणा कर लिया गुणा हो गया, अब देखिए ए का वैल्यू हमें दिया गया है पाँच बी, निकाला हमने इससे, तो इसका ए का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो माइनस का छः गुणा ये पाँच बी रख दिया और माइनस का दो बी प्लस का चार बराबर माइनस का सात, ए का वैल्यू निकाला पाँच बी और प्लस का सात बी, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए हो जाएगा छः पंच तीस माइनस का तीस बी और माइनस का दो बी लिखा हुआ है और प्लस का चार बराबर लिखा हुआ है सात और पैंतीस माइनस का पैंतीस बी और प्लस का सात बी। सॉल्व करते हैं देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बत्तीस बी और प्लस का चार बराबर, इधर कितना बचा, इधर बचा माइनस का अट्ठाईस, तो माइनस का अट्ठाईस बी। अब देखिएगा अगर हम बी उधर ले जाएँ तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार बराबर हो जाएगा माइनस का अट्ठाईस बी और प्लस का ये बत्तीस बी, तो यहाँ पर चार बराबर आ जाएगा हमारा, बत्तीस से अट्ठाईस जाएगा आपसे का चार बी, चार आ गया है चार बी के बराबर, मतलब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा में वाली चीज़ भाग में जाती है तो बी बराबर आ जाएगा हमारा चार बटे चार, चार से चार कैंसिल एक, बी का वैल्यू दोस्तों कितना गया एक आ गया है हमारा, दोस्तों बी का वैल्यू एक मिल गया है। अब ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो ए बराबर कितना था पाँच बी, तो पाँच गुणा एक तो ए बराबर दोस्तों आ जाएगा पाँच, तो इस प्रकार से ए बराबर पाँच आ गया है और बी बराबर एक, मतलब यही पूछा था कि ए बी के किन मानों के लिए, तो दोस्तों ए और बी का हमारा मान आ गया है पाँच एक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड आपके सामने लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखिए अगर रेखाएँ हमारी ए बन यक्स प्लस बी बन बाई और प्लस सी बन बराबर जीरो और ए टू यक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू बराबर जीरो हो, अगर कोई हल नहीं है की बात करें तो समझ लीजिएगा यहाँ पर कि जब कोई हल नहीं होते हैं तो होता है कि ए वन अपान ए टू बराबर हो बी वन अपान बी टू और बराबर ना हो सी वन अपान सी टू, इसका मतलब है रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, समांतर रेखाएं हों और इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं, तो इस कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारा लिखा हुआ है कि तीन यक्स प्लस बाई बराबर एक, ये समीकरण लिखा हुआ है। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है हमारा दो के माइनस का एक इंटू यक्स प्लस का के माइनस का एक इंटू बाई बराबर दो के प्लस का एक, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा पहले हम इसको समीकरण को सही से लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण एक लिखा हुआ है, ये हमारा समीकरण दो लिखा हुआ है, ये समीकरण लिखा हुआ है, कंडीशन में वाई लगानी है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं सबसे पहले हम समीकरण एक से, समीकरण एक को लिख लेते हैं पहले हम। लिखा हुआ है कि तीन एक्स प्लस का बाई, अगर इधर लिखा है एक को तो हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा बराबर जीरो। समीकरण एक लिखा की तुलना देखा, समीकरण एक की तुलना करेंगे हम कि ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन बराबर जीरो से तुलना कीजिएगा तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, ए वन बराबर आ जाएगा तीन, ए वन बराबर आ जाएगा तीन। ठीक है दोस्तों, और बी वन बराबर आ जाएगा हमारा एक, यहाँ पर देखिए एक लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ग्राम के आगे एक, और सी वन बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का एक, तो ए वन बी वन सी वन के मान मिल गए हैं हमें। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण दो से, समीकरण दो से समीकरण दूसरा क्या लिखा हुआ है कि टू के माइनस का वन इंटू एक्स ये है और प्लस का के माइनस का वाई माइनस वन इंटू वाई, ये लाएंगे तो माइनस का टू के और माइनस का वन ये बराबर ये जीरो, समीकरण कौन सा है दूसरा हो गया। अब समीकरण दो की तुलना करेंगे हम,
की तुलना करेंगे ए टू यक्स, ये देखिए तुलना करेंगे हम ए टू यक्स प्लस बी टू बाई और प्लस सी टू बराबर जीरो से, तुलना कीजिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए टू का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ए टू बराबर आ जाएगा टू के माइनस का वन, टू के माइनस का वन आ गया ए टू का वैल्यू। बी टू का वैल्यू कितना जाएगा हमारा के माइनस का वन, ये बी टू का वैल्यू, और सी टू का वैल्यू कितना आएगा माइनस का टू के माइनस का वन। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर कि समीकरण एक से हमने ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन का मान निकाल लिया, समीकरण दो से हमने ए टू बी टू सी टू का मान निकाल लिया। अब क्या कोई हल नहीं है, मतलब ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर नहीं है सी वन अपान सी टू, मतलब ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू, इतना सिर्फ हमें हल करना है। मतलब ये तो है कह रहा है समय कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन लगानी है कि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू, और बराबर है ही नहीं हमारा सी वन अपान सी टू। इसका मतलब क्या है, इसी से तो होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो हमें सिर्फ मान निकालना है के का, हमें मान निकालना है के का मान निकालना है, बस इतना करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए वन का वैल्यू कितना है तीन, तो तीन, और बटे में ए टू का वैल्यू कितना है हमारा टू के ये माइनस का वन, इतना ए टू का वैल्यू बस। ठीक है, बराबर बी वन का वैल्यू कितना है, बी वन का वैल्यू है हमारा एक, और बटे बी टू का वैल्यू के माइनस का एक। सी वन का वैल्यू कोई लेना नहीं हमें सी वन से, तो इसको बराबर बराबर हटा दीजिएगा, इसको कोई लेना नहीं सी वन क्योंकि बराबर ही नहीं है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका तीसरा गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा तीन के माइनस का तीन बराबर ये दो के माइनस का एक, इतना हो गया है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि तीन के दो के लिए लेकर आएगा तो माइनस का दो के बराबर माइनस का एक, और ये प्लस का तीन हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा प्लस का तीन। तो इस प्रकार से ये के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा दो आ जाएगा। तो दोस्तों के बराबर दो आ जाएगा क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बराबर ही नहीं है, तो इस प्रकार से के का मान हमारा निकल गया जाएगा दो, हमने इस कंडीशन अप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।